नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन, गति 140 शब्द प्रति मिनट। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट एंड अकेडमी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद स्टार्ट। महोदय, शहरी लोगों को जिनके पास खेती नहीं होती है उनको सालाना 3,000 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मगर किसानों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर किसानों को 500 रुपया सालाना आमदनी होती है तो भी उन्हें उस पर भूमि राजस्व देना पड़ता है। उनको शहर वालों की तरह टैक्स में किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती है, तो यह जो अन्याय और विषमता की बात है उसको दूर किया जाना चाहिए। देहात के आदमियों को भी शहर के आदमियों के समान भूमि राजस्व में छूट दी जानी चाहिए। कुछ लोग इसके बारे में अब कहते हैं कि शहर वाले लोगों को म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, वैसा देहातियों को नहीं देना पड़ता, लेकिन उन ऐसा कहना गलत है, क्योंकि गांव को जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है या कोई भी छोटे से छोटा गृहस्थ है, उस ग्राम पंचायत टैक्स देहात में देना ही पड़ता है। जब वे लोग ग्राम पंचायत टैक्स देंगे, भूमि राजस्व देंगे और फिर उसकी खेती में जो पैदावार हुई उसको बेचने के लिए जब वह शहर चला जाता है, तब उसको शहरों में म्यूनिसिपैलिटी का चुंगी कर भी देना पड़ता है। इस तरह से किसानों को करों के बोझ से लाद दिया जाता है। इसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देनी चाहिए। तब वह छोटा किसान पेट भरकर रोटी खाएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाएगा और अपने देश में खेती का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं तो वह अगर नाराज़ रहा, दुखी रहा, तो हमारे देश में खेती का उत्पादन किसी हालत में नहीं बढ़ सकता है। हम देखते हैं और यह हर एक को मालूम भी है कि हमारे शहरों में दिन पर दिन सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बन रही है, डामर के रास्ते बन रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है, लेकिन देहातों में या गांवों में जाइए तो आप यही देखेंगे कि हमारे बाबा दादा के समय में जो मकान हमारे कच्चे थे, फूस के थे, वे आज भी वैसे के वैसे हैं। हमारे गांवों में आज भी न बिजली है, न डामर तथा सीमेंट की सड़क है, न इस तरह की दयनीय अवस्था आज भी देहातों की है। इस दुर्दशा का मुख्य कारण उसकी दरिद्रता है। खासकर जो छोटे किसान देहात में रहते हैं उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। वहां पर जो छोटे छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर है उनकी हालत बुरी है। पैरा उपसभाध्यक्ष महोदय श्री भूपेश गुप्ता ने बहुत बुद्धिमानी से अपनी आंतरिक बातों को घुमा फिराकर ऐसे रूप में उपस्थित किया है कि उसको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर आती है, परंतु मैं यह नहीं समझा सका जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है। प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। सिर्फ इतना ही है कि इस बारे में स्पीकर को पहले से इत्तला देनी होती है कि मैं बोलूँगा। पैरा, श्रीमान, मैं तो यह कह रहा था कि राज्य सरकारों का समाचार पत्रों के प्रति अगर यही रवैया रहा तो देश में इस धारणा को बनने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वित्त मंत्री ने जिस वक्तव्य का मैंने उल्लेख किया, यह जो सज्जन अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, मैं उनसे चाहूँगा कि वे पहले उस वक्तव्य को देखने का कष्ट करें और तब इस प्रकार के व्यवस्था के प्रश्नों को उठाएं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में कुछ इस प्रकार के समाचार पत्र हैं जिनके संबंध में कानों में भनक पड़ी है कि प्रत्यक्ष रूप से चाहे उनको न कहा जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा है कि वे निष्पक्ष लेख या समाचार प्रसारित न करें। मेरा कहना यह है कि स्वतंत्र भारत में, विशेषकर जिस देश के अंदर प्रजातंत्र हो, उसमें अगर इस प्रकार से दबाव डाला जाता रहा तो ये समाचार पत्र भाटों के गीत बनकर रह जाएंगे। फिर ये
जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र नहीं रहेंगे। पैरा, मैं एक और बात का भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा और चाहूँगा कि श्री गुजराल जब अपना उत्तर दें तो इस बात को बताएं कि सरकार की क्यों यह प्रवृत्ति चल पड़ी है कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाएं या राष्ट्रपति बाहर जाएं तो समाचार पत्रों के संवाददाताओं से सीधे संपर्क स्थापित किए जाएं। जो भी समाचार एजेंसी यह या पत्र है उसको कहना चाहिए कि आप अपने यहाँ से किसी प्रतिनिधि को भेजें। मुझे जानकारी मिली है कि इस बार जब प्रधानमंत्री ईरान यात्रा पर गई हैं तो एक समाचार पत्र के प्रधान संपादक ने केवल इसीलिए अपने प्रतिनिधि को भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने सीधे उनसे संपर्क स्थापित किया था। यह प्रवृत्ति भी इस बात की परिचायक है कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों की क्या स्थिति बनती जा रही है। अगर यह हाल रहेगा तो प्रजातंत्र के लिए गौरव की बात नहीं होगी बल्कि अभिशाप होगा। पैरा, इस तरह की एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वह यह है कि समाचार पत्रों को, अखबारों को जो न्यूज़ प्रिंट मिलता है उसकी स्थिति यह है कि लगभग 82% न्यूज़ प्रिंट विदेशों से आयात होता है। अभी पीछे जो आंकड़े दिए गए थे उनके अनुसार गत वर्ष हमारे 4 देशों में न्यूज़ प्रिंट की जितनी कमी थी वह 78,000 टन थी, लेकिन इसी अनुपात से इस वर्ष के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें 104,333 टन की कमी का अनुमान लगाया गया है। जो विशेष रूप से मैं यह बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो बाहर से न्यूज़ प्रिंट का आयात होता है राज्य व्यापार निगम द्वारा होता है। राज्य व्यापार निगम को जब पिछले वर्ष इस बात का आभास हो गया था न्यूज़ प्रिंट की यह स्थिति होने वाली है तो राज्य व्यापार निगम ने आयात क्यों नहीं किया। पैरा, श्रीमान मुझे एक बात यह कहने की भी आज्ञा दी जाए। मैं भारत की राजधानी की बात कहता हूँ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की बात नहीं कहता हूँ। ऐसे समाचार पत्र भी इस दिल्ली राजधानी में हैं जो सरकार के कृपा पात्र हैं और सरकार की कृपा का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय बाजार में जाकर अपने स्रोतों से इस बात की जानकारी लें कि जितना न्यूज़ प्रिंट उनको मिलता है उसका पूरा उपयोग वे नहीं कर रहे हैं। वे अपनी संख्या ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं और न्यूज़ प्रिंट ब्लैक में बेचते हैं और ब्लैक से दूसरे समाचार पत्र उसी न्यूज़ प्रिंट को खरीदते हैं। जब सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो दूसरे बड़े नगरों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही होंगी। इसके लिए क्या गारंटी दी जा सकती है? मैं इसके लिए यह चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री इस बात को अवश्य बताएं कि सदन को भविष्य में न्यूज़ प्रिंट की कमी को पूरा करने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। क्या वे भारतवर्ष में उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या उसे बाहर आयात करने के लिए उन्होंने कोई विशेष प्रयास किया है? मेरी जानकारी तो यह है कि बांग्लादेश से, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में देखा है, भारत को आने वाला न्यूज़ प्रिंट बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन राज्य व्यापार निगम ने जहाज़ों की व्यवस्था नहीं की जिससे वह न्यूज़ प्रिंट यहाँ आ सके और समाचार पत्रों को दिया जा सके। इस बात की जांच विशेष रूप से होनी चाहिए। पैरा, मैं एक बात आकाशवाणी की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ। आकाशवाणी सरकार की एजेंसी नहीं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, लेकिन कुछ दिनों से आकाशवाणी की जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है उससे लगता है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का यह माध्यम भी अब धीरे धीरे सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता जा रहा है। परिणाम क्या है? मैं चाहूँगा कि गुजराल साहब इस बात को बताएं कि वह वास्तविकता है या नहीं।
सरकार पहले तो अपने विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट लेने के लिए या पता लगाने के लिए भेजती है या उनसे सर्वे कराती है, और जब उसमें कुछ वास्तविकता होती है और किसी ढंग वह प्रसारित हो जाती है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाता है। मेरी अपनी जानकारी में यह है गुजरात के संबंध में, जहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के लिए सरकार ने अपने एक अधिकारी नियुक्त किया है। पूर्ण विराम।